कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे टर्बिडिटी पे कंटिन्यू करूंगी। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है। ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो मैम टर्बिड जो ये सिलका और फास्फेट एनालाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं मैम, तो डेली मतलब फ्रिक्वेंटली इसको हम कितनी बार करते हैं? वो ऑनलाइन एनालाइजर है, वो क्या कंटिन्यूअस बेसिस पे आपका जो है रनिंग पे रहता है। और ये जैसे सिलिका एनालाइजर और फॉस्फेट एनालाइजर मैंने बताया कि ये 6 चैनल का एनालाइजर है, ठीक है। तो आपके 6 चैनल का अगर फॉर एग्जांपल सिलिका एनालाइजर पे जाते हैं अगर, तो ये जैसे ये 6 चैनल का आपका एनालाइजर है, तो 6 चैनल के एनालाइजर में आपका एक सैंपल 10 मिनट की साइकिल आपकी रहती है कोई भी चीज एनालिसिस होने में। जैसे फॉर एग्जांपल फीड वाटर आपका इंसर्ट हुआ है यहाँ पर सैंपल, तो ये 10 मिनट तक इसकी एनालिसिस करेगा। 10 मिनट मीन्स कि रिएजेंट ऐड करेगा, फ्लशिंग करेगा, देन उसके बाद जो फोटोमीटर है वो रीडिंग आपकी जनरेट करेगा। तो ये टोटल 10 मिनट की साइकिल रहती है, और जनरली हम लोग बीच में एक इंटरवल डाल के रखते हैं फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर साइकिल सैम्पलिंग के लिए। बिकॉज क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल मेन स्टीम उसका सिलिका आपका less than 10 ppb रहता है, एंड ड्रम वाटर आपका around 60-70 ppb रहता है, उसके ऊपर ही रहता है। तो वो मिक्सिंग और फिर उस ड्रम वाटर के बाद वापस से फीड वाटर का सैंपल आता है, तो वो मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए बीच में इंटरवल डाल के रखते हैं। इंटरवल मींस कि अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स का इंटरवल बीच में डाल रहे हैं एक सैंपल से दूसरे सैंपल के लिए, तो ये क्या करेगा, 5 मिनट्स तक फीड वाटर का सैंपल लेगा और इसकी फ्लशिंग ही करते रहेगा। क्यों करते हैं, क्योंकि हायर वैल्यू ऑफ सिलिका देन वी आर इंसर्टिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ सिलिका सैंपल। तो उसके कारण क्या रहता है कि आपका फीड वाटर का अगर less than 10 है, 7 अगर है, और वो 70 का आपका सैंपल अगर आ रहा है, तो वो मिक्सिंग होने के चांसेस हैं, जिसके कारण फीड वाटर की वैल्यू ज्यादा भी दिखा सकता है वो। दैट्स वाई वी हैव पुट इट द इंटरवल ऑफ around 3 मिनट्स और 5 मिनट्स, वट एवर इंटरवल यू वॉन्ट टू पुट। आप उस एनालाइजर में एक फीचर है, उसमें आप इंटरवल डाल सकते हैं। बाकी जो एनालाइजर है, जो क्वेश्चन था कि एनालाइजर कंटिन्यूअस ऑनलाइन रनिंग बेसिस पे रहता है, वो कंटिन्यूअस रीडिंग देता है, हर 10 मिनट्स के बाद हर एक सैंपल की वैल्यू आती है, और ये जो सैंपल की वैल्यू है ये एनालाइजर में एक टेबल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाती है कि, और उसमें टाइम भी शो हो जाता है कि कितने टाइम पे कौन सी एनालिसिस हुई है और अभी कौन सी एनालिसिस चल रही है, वो सारा डिस्प्ले फॉर्म में आपका अवेलेबल हो जाता है। क्लियर? यस मैम। मैम जो वैल्यू वगैरह जो भी अपन मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर डोजिंग करते हैं। नहीं, फॉस्फेट डोजिंग जो रहती है वो तो पीएच पे डिपेंडेंट रहती है, आपका पीएच कितना आ रहा है। पीएच की 10 मिनट्स की साइकिल नहीं रहती है आपकी, पीएच तो कंटिन्यूअस बेसिस पे रीडिंग दिखाता है, क्योंकि हर एक सैंपल के लिए अलग अलग पीएच मीटर लगे हुए हैं। एक यूनिट में आपके 5 pH मीटर लगे हुए हैं, ऐसे 5 × 4 कर दीजिए, 20 pH मीटर लगे हुए हैं आपके ऐसे श्वास सिस्टम में। तो पीएच अगर हाई होता है तो डोजिंग उन लोग कम करते हैं, पीएच की वैल्यू पे डिपेंड करता है उनको डोजिंग कितनी करनी है। वो एग्जैक्ट डोजिंग क्या करते हैं फॉस्फेट की वो मैं नहीं बता सकती, पर वो पूरा डिपेंडेंट रहता है पीएच की वैल्यू पे, बॉयलर के पीएच कितना आ रहा है उस पे उन लोग डोजिंग कम या ज्यादा करते हैं। ओके मैम, थैंक तो ना, अगर डाउट नहीं है किसी का तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टर्बिडिटी एनालाइजर पे। टर्बिडिटी एनालाइजर एक्चुअली जो लगा हुआ है हमारा, वो श्वास में नहीं लगा हुआ है, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगा हुआ है, ठीक है। अब उसी के सिमिलर आप एक एक और एनालाइजर बोल सकते हैं जो आपका वो सॉलिड पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, वो आपके गाउट गार्ड पाउंड में लगा हुआ है, ठीक है। वो इससे थोड़े ज्यादा बड़े पार्टिकल्स रहते हैं उसको वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो टर्बिटी का मतलब किसी को पता है कि टर्बिटी होता क्या है एक्चुअल में, कोई अगर आंसर कर पाएगा तो? टर्बिटी एक्चुअली एक यस वाटर की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। वाटर की प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, टर्बिटी मींस कि आपके जो सस्पेंडेड सॉलिड है, ठीक है, वो बहुत छोटे फॉर्म में आपका मिक्सिंग होता है वाटर में, ठीक है, तो उसको हम टर्बिडिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्योर वाटर में हल्का सा आप मिल्क
डालेंगे स्पून से, तो वो एक कलर अलग से फॉर्म हो जाता है, ठीक है? तो वो आप बोल सकते हैं कि वो एक टर्बिटी है, ठीक है? पर मिल्क नहीं मिल रहता है हर जगह पे टर्बिटी। जैसे आप जाएंगे कहीं भी रिवर में, आप पानी उठाते हैं तो आपको हल्का सा मडी टाइप का दिखता है, ठीक है? पर आप वो एग्जैक्ट जो पार्टिकल्स हैं उसको अपने आई से नहीं देख सकते कि कौन से पार्टिकल है, पर हाँ थोड़ा सा गंदगी टाइप का दिखता है, उसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी, ठीक है? तो द क्लाउडीनेस और हेजीनेस ऑफ अ फ्लूइड कॉज्ड बाय सस्पेंडेड सॉलिड दैट आर यूजुअली इनविजिबल टू नेकेड आइज, ठीक है? वाटर ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन अ सस्पेंडेड सॉलिड दैट कंटेन्स ऑफ मैनी डिफरेंट पार्टिकल्स एंड वेरिंग इन साइज, ठीक है? अलग अलग पार्टिकल्स रहते हैं उसके, और अलग अलग साइज के पार्टिकल रहते हैं। बड़े पार्टिकल्स तो आपको दिख के आ जाते हैं आई से, पर बहुत छोटे पार्टिकल जो पानी को गंदा दिखाता है बट आप उसको पकड़ नहीं सकते कि क्या पार्टिकल्स हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका जो इमेज बना हुआ है नीचे, इसमें चार बीकर बने हुए हैं, एक पूरा प्योर वाटर है, इमेज थोड़ी सी ब्लर है, ये जो है ये पूरा प्योर वाटर है आपका, ये इसकी टर्बिडिटी तो ये सबसे ज्यादा हाई टर्बिडिटी वाला है, इससे कम ये और सबसे कम इसकी टर्बिडिटी, ठीक है? तो इसमें हम देख नहीं पा रहे कि पार्टिकल्स क्या हैं, बट हैं, इसके कारण इसका कलर चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम टर्बिडिटी। मोस्ट कॉमन मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी इज नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है? अब एंटोनियो कोई साइंटिस्ट था, उसने अपना एक ये टर्बिडिटी मीटर बताया बनाया और वो उसने अपने नाम पे रखा, और ये एंटोनियो में ही जनरली मेजर होता है। जैसे आपका कंडक्टिविटी माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पर सेंटीमीटर में मेजर होता है, वैसे ही आपका टर्बिडिटी जो है हमेशा एंटोनियो में मेजर होता है, ठीक है? अब फिले इज अ ग्रीक वर्ड फॉर क्लाउड, ये इससे डिफाइंड हुआ है, ग्रीक वर्ड फॉर क्लाउड, एंड मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट, ठीक है? तो मेजरिंग ऑफ क्लाउडीनेस इज कॉल्ड नेफ्लोमेट्रिक मीटर, ठीक है? अब इसका इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ हुआ है, पहले मेजरमेंट से पहले हम ये जानेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ हुआ है। इसका इंस्टॉलेशन एक्चुअल में हम जो लेते हैं वाटर, वो रॉ वाटर से हम ले रहे हैं, जो रिजर्वायर हमारे ए और बी बने हुए हैं, जनरली रावो से आता है या फिर आपका कलमा से आता है, दो जगह से, कलमा से तो कम ही आता है, रावो से आपका ज्यादा पानी आता है। तो वो जो पानी है वो पूरा आपका रॉ वाटर, तो रॉ वाटर अगर आप एक बीकर में लेके देखेंगे तो उसकी टर्बिडिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो हम एक टर्बिडिटी मीटर लगाए हैं बिफोर एरेटर, अगर आप प्लांट विजिट करेंगे तो बिफोर एरेटर एक टर्बिडिटी मीटर लगा हुआ है, फ्लो मीटर के साथ एक फ्लो मीटर भी लगा हुआ है, प्लस एक टर्बिडिटी मीटर लगा हुआ है वहां पर। नेक्स्ट ये हो गया इनिशियली, हम यहाँ पर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभी, पीटी प्लांट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उससे पहले हम टर्बिडिटी चेक कर लेते हैं। क्यों चेक कर देते हैं? क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि हमको कितना डोजिंग करना है, क्या करना है, वो डीएम प्लांट वालों को उससे देख के समझ में आता है कि हमको क्या डोजिंग करना है, क्लोरीन कितनी डोजिंग करना है, फिर उन लोग पॉली इलेक्ट्रोलाइट, लाइम, एलम सब डोज करते हैं, तो वो कितना कितना लेवल में डोज करना है उसको देख के। जैसे बारिश में उन लोग को थोड़ा ज्यादा डोज करना रहता है, क्योंकि बारिश का पानी ज्यादा मतलब मडी फॉर्म कर रहता है। फर्स्ट मीटर हो गया वहां। नेक्स्ट आपका क्लेरिफॉकुलेटर जो लगा हुआ है, तीन टैंक लगे हुए हैं बड़े बड़े, वो एबीसी तीन टैंक है, तो तीन टैंक के आउटलेट में आपका टर्बिडिटी मीटर लगा हुआ है, क्लेरिफॉकुलेटर, ठीक है? तो वो हो गया पीटी प्लांट पूरा। आफ्टर क्लेरिफॉकुलेटर पीटी प्लांट खत्म हो जाता है, फिर सीधे क्लेरिफाइड वाटर टैंक में आता है आपका, तो इसीलिए आउटलेट ऑफ क्लेरिफॉकुलेटर लगा हुआ है कि क्लेरिफाइड वाटर हमारा कितना टर्बिडिटी का आया वो देखना है, ठीक है? उसकी जनरली क्लेरिफॉकुलेटर की आउटलेट जो रेंज रहती है वो जनरली आपकी 10, 12, 40 ऐसे रहती है, आपकी बिलो 50 आप कंसिडर कर सकते हैं उसको, ठीक है? बिलो 40 या बिलो 50 आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा आफ्टर क्लेरिफाइड वाटर टैंक, हमारा जो पोटेबल वाटर जाता है, वो पीने के लिए जो जाता है आपका वाटर, तो वो आपका डीएमएफ के थ्रू जाता है, ड्वेल मीडिया फिल्टर। तो ड्वेल मीडिया फिल्टर के आउटलेट में एक टर्बिडिटी लगा हुआ है, पोटेबल वाटर जो पीने के लिए यूज होता है उसके लिए अलग स्ट्रीम लगी हुई है, डी एंड ई, ड्वेल मीडिया फिल्टर डी एंड ई, एक स्टैंड बाय एक रनिंग। और डीएम प्लांट के लिए हमारा तीन स्ट्रीम लगा हुआ है, तो वो तीन स्ट्रीम डीएमएफ ए बी सी, एक स्टैंड बाय सॉरी दो स्टैंड बाय एक रनिंग इस कंडीशन में है, ठीक है? तो आपका डीएमएफ डी और ई के कॉमन
में एक आपका टर्बिटीमीटर लगा हुआ है, ताकि आप जो पानी पी रहे हैं उसका हमको पता चल सके कि इतना प्योर है कि नहीं है। प्लस आपका जो डीएम वाटर जनरेट हो रहा है बॉयलर के लिए, उसके लिए डीएमएफ ए बी सी के आउटलेट में एक आपका टर्बिटीमीटर लगा हुआ है। इसकी जो यूनिट आती है वो लेस देन, इसकी जो रेंज है वो लेस देन 10 रहती है आपकी। लेस देन 10 क्या, आप लेस देन 5 या 4 भी बोल सकते हैं। मैंने जनरली उसकी रीडिंग बहुत कम लेवल पे देखी है, मेरा 0.5, 0.6, 0.9 ऐसी ही देखी है, लेस देन 1 ही देखी है मैंने। रेंज पर उन लोग थोड़ा ज्यादा बताते हैं, बट एक्चुअल में कम ही रखते हैं उसकी वैल्यू। तो अब आते हैं कि टर्बिडिटीमीटर काम कैसे करता है। टर्बिडिटीमीटर जो रहता है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटीमीटर जो रहता है, वो लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल मींस क्या होता है, जब भी हम किसी भी सैंपल में अगर उसमें टर्बिडिटी पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम उससे डिटेक्टर के थ्रू अगर हम लाइट भेजेंगे और डिटेक्टर और ट्रांसमीटर के बीच में, सॉरी ट्रांसमीट जो डिटेक्टर और रिसीवर के बीच में इसका 90 डिग्री का एंगल रहता है। क्यों 90 डिग्री का एंगल रहता है, क्योंकि जो स्मॉलर पार्टिकल्स रहते हैं, ये कंसिडर किया गया है कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स रहते हैं जिसकी टर्बिडिटी लेस देन 40, 50 या लेस देन 100 जो रहती है, 40 जनरली जिसकी टर्बिडिटी लेस देन 40 या 50 रहती है, वो जनरली जो लाइट अगर उस पर पड़ती है तो वो 90 डिग्री एंगल में ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग मीन्स स्प्लिट कर देते हैं एंगल में, एक बार लाइट आई और उसको दूसरे डायरेक्शन में भेज देते हैं। ठीक है, वे अब्सॉर्ब नहीं करते लाइट को कभी भी पार्टिकल्स, तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल इसमें बना के रखा है। ठीक है, द नेफ्लोमेट्रिक और लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल ऑफ टर्बिडिटी मेडिसिन इन लिक्विड इज ऑफन कंसिडर एप्लीकेबल ओनली टू मेजर लो टर्बिडिटी। ठीक है, हमारी लो टर्बिडिटी है इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, अब आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल गार्ड पाउंड में जो है, उसमें अगर आप जाएंगे, गार्ड पॉन्ड मीन्स आपके वर्कशॉप के पीछे, वहां पर आप जाएंगे तो वहां का पानी देखेंगे वो पूरा ग्रीनिश फॉर्म में रहता है, मीन्स उसकी टर्बिडिटी लेवल अबव 100 और अबव 200-300 होगी। तो उसमें जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो 90 डिग्री का नहीं, वो 180 डिग्री का यूज हुआ है। 180 वो पार्टिकल्स जो रहते हैं वो 180 के फॉर्म में ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, 90 डिग्री में वो ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि कितनी टर्बिडिटी है। तो वो अलग इंस्ट्रूमेंट आपका यूज हुआ है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड मीटर बोलते हैं उसको, TSS। ठीक है, तो ये जो टर्बिडिटी मीटर है वो नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी मीटर 90 डिग्री के एंगल में, डिटेक्टर और रिसीवर जो है वो 90 डिग्री के एंगल में लगा रहता है। ठीक है, तो आपका ये फिर उसके बाद ये होता है कि आपका नेफ्लोमेट्रिक मीटर ऑफ लाइट सोर्स एंड द फोटोडायोड इज सेट एट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम ईच अदर। दिस इज कंसिडर द एंगल मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट सेटिंग रिगार्डलेस द पार्टिकल साइज। ठीक है, जितना क्योंकि कम पार्टिकल साइज है इसलिए इसको 90 डिग्री के एंगल में रखा हुआ है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये लेंस क्यों लगा हुआ है। लेंस इसलिए लगा हुआ है कि ये सॉरी गलत बोल रही हूँ, ये लाइट बीम है, ये लेंस के थ्रू थोड़ा एक्सपेंड करके आपका भेजेगा और ये जो लाइट है डिटेक्टर में डिटेक्ट करेगा आपका। ठीक है, स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, और आपका लाइट इज स्कैटर्ड फ्रॉम द पार्टिकल एंड द पोर्शन ऑफ विच इज स्कैटर्ड एंड 90 डिग्री इज रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है आपकी, ये पार्टिकल अगर जो भी है तो वो 90 डिग्री में इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर ये रिसीव होता है। ठीक है, और एक यहीं पर एक कॉन्स्टेंट एक लाइट सोर्स भी लगा रहता है, मीन्स ये एक मेजर करते हैं कि कितनी लाइट सोर्स आपकी गई और यहाँ कितना रिसीव हुआ। तो जितना ज्यादा आपका रिसीव होता है, अगर कम पार्टिकल रहेंगे तो यहाँ डिटेक्टर में कम लाइट रिसीव होगी, कम बार रिसीव होगी, यहाँ अगर पार्टिकल ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा इसमें लाइट रिसीव होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको 90 डिग्री एंगल में रखते हैं। और ये जो एरिया है, ये जो सेंसर का एरिया है, वो प्योरली आपका ब्लैक ऑब्जेक्ट में रहता है। ऐसे ऑब्जेक्ट में जो उसका फ्लो सेल रहता है और सेंसर जो डिप रहता है वो पूरा ब्लैक ऑब्जेक्ट में रहता है, क्योंकि हम दूसरे बाहर की लाइट इस मीटर में कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो हैम्पर करेगा आपके मेजरमेंट को। ठीक है, द मीटर इज नॉट द मीटर नॉट नाउ कंपेयर द लाइट फ्रॉम द रेफरेंस डिटेक्टर एंड द स्कैटर लाइट रिसीव एंड कैलकुलेट द टर्बिडिटी वैल्यू। ये जो आपका एक रेफरेंस है, यहाँ बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं है और ये 90 डिग्री में जो रिफ्लेक्ट हो गई आपकी, डिटेक्टर मीन्स यही लगा रहता है, ये 90 डिग्री पे थोड़ा गलत बताया हुआ है शायद,
तो ये डिटेक्टर जो है, ये रिसीवर है एक, ये रेफरेंस है आपका, रेफरेंस डिटेक्टर हो गया, और एक यहाँ पर 90 डिग्री से ये आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में आपका वो जो है टर्मिटी आपका बताता है कि एक्चुअल में लाइट कितनी और ये रिफ्लेक्ट होके कितनी आ रही है, उसके कंपेरिजन को करके ये आपका टर्मिटी बताता है कि कितनी टर्मिटी है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी पे आएंगे तो दो एडवांस टेक्नोलॉजी जनरली लगी हुई है। डिगैस कैटायन तो जनरली यूज नहीं हुआ है आपका। ऑप्टिकल डिसॉल्व ऑक्सीजन सेंसर, मैंने एक शायद आपको वीडियो बताया था कि ऑप्टिकल डिसॉल्व ऑक्सीजन सेंसर जो है क्या होता है, उसमें शायद अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्लियर हुआ होगा। ये हमारे यहाँ जो लगे वो एम्पीरियोमेट्रिक है, ठीक है। एम्पीरियोमेट्रिक है अच्छा एनालाइजर, बट पॉइंट ये है कि आफ्टर कैलिब्रेशन उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है। कैलिब्रेशन होने के बाद 8 ppm से उसको ppb वैल्यू आने में बहुत टाइम लगता है, अराउंड हाफ एन आवर लग जाता है उसको आफ्टर कैलिब्रेशन, ठीक है। प्लस उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मेंटेनेंस कॉस्ट मीन्स उसका मेम्ब्रेन चेंज करना, उसका इलेक्ट्रोलाइट चेंज करना, ये एक उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। कंज्यूमेबल बहुत ज्यादा यूज करता है एम्पीरियोमेट्रिक सेंसर, इसलिए हम उसको एडवांस टेक्नोलॉजी आई है जो कि ऑप्टिकल डिसॉल्व ऑक्सीजन सेंसर है, जो कि हम यहाँ पर प्लांट में अभी तक तो परचेज नहीं किया गया, इन फ्यूचर हो सकता है प्लान करेंगे परचेज का। तो ऑप्टिकल सेंसर क्या रहता है, एक इसमें ल्यूमिनेसेंस लेयर रहती है। ल्यूमिनेसेंस लेयर क्या होती है कि एक्चुअल में अगर वो ऑक्सीजन सेंसिटिव ल्यूमिनेसेंस लेयर होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस चीज से वो सेंसिटिव रहती है, जब वो चीज उसमें टकराती है, तो वो एक लाइट जो है ब्लू कलर की ल्यूमिनेसेंस लेयर रहती है। तो ये क्या है, पूरा कंप्लीट फेस चेंज करके अपना ब्लू से रेड लाइट इमिट करता है। तो वो रेड लाइट जितने ज्यादा ऑक्सीजन इसमें टकराएगी, उतनी ज्यादा वो रेड लाइट इमिट करेगी, ठीक है। और ये फोटो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है, रेड लाइट फिल्टर रिटर्निंग लाइट, ठीक है। ये रिटर्निंग लाइट उसको डिटेक्ट करती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जितना भी है वाटर में सैंपल में, वो डिटेक्ट करती है कि कितना आपका ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है। अब एक उसको रेफरेंस भी चाहिए कि रेड लाइट कितनी रिसीव हो रही है, और रेफरेंस एक हमेशा एक रेफरेंस लेके चलते हैं सेंसर्स, तो वो रेफरेंस लाइट आपके यहाँ से मिलती है, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइट फिल्टर एलईडी है, ये इसको ब्लू लाइट दे रही है, और उसके बाद जैसे ही इसमें ऑक्सीजन हिट करता है, जो भी ऑक्सीजन अगर वाटर सैंपल में है जो भी हिट करेगा, तो ये फेस कंप्लीट फेस चेंज करके ब्लू लाइट को रेड लाइट में कन्वर्ट करके यहाँ डिटेक्ट करता है। और इन दोनों का डिफरेंस जो भी है, आपका ट्रांसमीटर उसको सेंस करता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इसमें मेंटेनेंस कम क्यों है, क्योंकि ये सिंगल एक सैंपल सेंसर रहते हैं, सिर्फ सेंसर एंड ट्रांसमीटर, ना इसको कैलिब्रेट करने की जरूरत है ना कुछ। बस अगर आपको देखना है कि हमारा सेंसर सही काम कर रहा है कि नहीं, तो 99% है नाइट्रोजन सिलेंडर, जो कि शायद हाइड्रोजन प्लांट में यूज होता है पर्जिंग के लिए, ठीक है, या फिर सिलेंडर क्लीनिंग के लिए। ये नाइट्रोजन सिलेंडर हर जगह अवेलेबल हो जाता है, तो वो 99% 99.99% का हाई नाइट्रोजन सिलेंडर जो है, वो हम इसमें गैस थोड़ी सी फ्लो कर देते हैं सैंपल के जगह, और ये जीरो अगर रीड कर रहा है तो हमारा सेंसर ओके है। और जनरली इसमें कोई भी मेंटेनेंस, कोई भी कंज्यूमेबल पार्ट नहीं है, ना ही उसका मेम्ब्रेन चेंज करना है, और ना ही इसका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट चेंज करना है। तो ये बिल्कुल कम मेंटेनेंस प्रोन है, बट अभी क्योंकि ऑलरेडी एम्पीरियोमेट्रिक लगा हुआ है जिंदल में, इसलिए इस सेंसर के लिए नहीं गए, क्योंकि इनकी कॉस्ट खुद में ही बहुत ज्यादा रहती है। कॉस्ट अगर आप एक ट्रांसमीटर अगर इसका लेंगे, ट्रांसमीटर प्लस सेंसर अरेंजमेंट लेंगे, तो आपका 6 to 7 lakh का रहता है। और अगर आप एक यूनिट में दो लगे हुए हैं, तो आप मान के चलिए आपका कितना ज्यादा कॉस्ट आएगा। इसलिए इस सेंसर की तरफ हम लोग अभी बढ़े नहीं है, इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो इस सेंसर के ऊपर जाएंगे। दूसरा आपका डिगैस कैटायन कंडक्टिविटी वही है जो कैटायन कंडक्टिविटी मैंने बताया था, ठीक है। बस आपका ये है, ये थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी है, सीओ भी रिमूव करता है वाटर से, सीओ CO2 भी रिमूव करता है, तो और बेटर आपकी कंडक्टिविटी आती है इसमें। जैसे वहां पर आपका अमीन्स और अमोनिया ये सब रिमूव कर रहा था, ये वाला कैटायन कंडक्टिविटी सीओ भी यूज करता है। इसके रेजिन में एक अलग से हीटर एंड रेजिन, अलग दूसरा रेजिन रहता है जिसमें, जो सीओ भी रिमूव कर सकता है वाटर में। तो हमारे हाईली प्योर वाटर की कंडक्टिविटी फिर हमको मिलती है।
देन उसके बाद स्मार्ट सेंसर हो गए। ये स्मार्ट सेंसर एक्चुअली पीएच सेंसर, कंडक्टिविटी सेंसर भी हो सकते हैं। ये स्मार्ट सेंसर इसलिए क्योंकि ये आप जैसे देख रहे हैं ये यूएसबी टाइप के हैं, आपका ट्रांसमीटर में डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट रहता है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। इसको स्मार्ट सेंसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली जितने भी हमारे ट्रांसमीटर सेंसर रहते हैं, हमको फील्ड में ले जाना है, उसको फील्ड में ले जाके हमको उसको कैलिब्रेट करना है। हम लैब में लाके उसको कैलिब्रेट नहीं कर सकते, हमको सैंपल की रिक्वायरमेंट है। ये स्मार्ट सेंसर ऐसे हैं हमारे कि आप बफर सॉल्यूशन लैब में रखिए, एक एक्स्ट्रा आपके पास स्मार्ट सेंसर रखिए, उसको कैलिब्रेट करिए, ठीक है। कहीं से भी आप कैलिब्रेट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कहीं से भी उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, फिर आप लगा दीजिए। तो कैलिब्रेशन जो वैल्यू है, जनरली क्या होता है फील्ड में, कैलिब्रेशन वैल्यू जो स्टोर होती है वो ट्रांसमीटर में स्टोर होती है। बट इसमें फीचर ये है कि ये जो इसके अंदर ही एक चिप टाइप का अरेंजमेंट है, तो कैलिब्रेशन वैल्यू जो स्टोर होगी वो सेंसर में ही स्टोर होगी उस, और आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ट्रांसमीटर सिर्फ एक डिस्प्ले मीडियम रहेगा इसके लिए कि डिस्प्ले करना। तो अगर आप चाहें तो लैब में ले जाके कैलिब्रेट कर सकते हैं आप, उसका सॉफ्टवेयर होगा कि उस सॉफ्टवेयर में जाएंगे फिर कैलिब्रेट कर पाएंगे, ऐसे कैसे भी कंप्यूटर से नहीं कैलिब्रेट कर सकते। देन उसके बाद आप फील्ड में उसको इंसर्ट कर दीजिए, तो उसमें ट्रांसमीटर अरेंजमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंसर निकालिए, कैलिब्रेट कर दिया और वापस प्लेस कर दीजिए। तो ये था आज का टॉपिक सारा कंप्लीट, ठीक है। अगर इनमें कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, ये एक और था कि मैं जो आपको पहले भी एक्सप्लेन करी थी कि आपका जो ऑनलाइन स्वास एनालाइजर के क्या एडवांटेजेस हैं, ऑनलाइन स्वास एनालाइजर के एडवांटेजेस ये हैं कि मतलब उसने फ्यू पास्ट में ये सब चीजें की हैं। यूनिट 4 में एक बार कंडेंसर लीकेज डिटेक्ट हुआ था, जनरली कंडेंसर लीकेज कभी होता नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर केस है। तो ये जो है यूनिट 4 250 का ही कंडेंसर लीकेज जो है वो अरेस्ट हुआ था ड्यू टू कंडक्टिविटी, कैटायन कंडक्टिविटी, और वो ऑनलाइन स्वास सिस्टम के कारण ही, क्योंकि कैटायन कंडक्टिविटी डीएम प्लांट वाले नहीं करते हैं उसको, तो वो स्वास सिस्टम के कारण ही डिटेक्ट हुआ था। दूसरा चीज, बॉयलर ट्यूब लीकेजेस काफी लेवल तक रिड्यूस हुए हैं क्योंकि आपका डीओ और ये सारी एनालिसिस ऑनलाइन बेसिस पे होती है, तो बॉयलर ट्यूब्स लीकेज जो भी होते हैं जिसके कारण यूनिट शटडाउन होता है और करोड़ों का लॉस होता है आपका, तो वो आपके बहुत रिड्यूस हो सकते हैं वाटर केमिस्ट्री के कारण। और बाकी जो एनालाइजर है जो मैंने एक्सप्लेन किए वो मोर अबाउट, मतलब सारे जो हैं वो डीएम प्लांट में भी यूज होते हैं, सीपीयू में भी यूज होते हैं, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ, आपके प्रिंसिपल एक ही हैं, भले वो मॉडल अलग होगा, आपका किसी का हैक का मेक होगा या पॉलीमेट्रॉन मेक होगा या ओरियन मेक होगा, वो वेंडर मैन्युफैक्चरर अलग अलग होंगे, बट जो टेक्नोलॉजी है वो मोर अबाउट सेम रहती है। तो अगर किसी को डाउट है, क्योंकि कल एक्चुअली ये कल ही सेशन में कंप्लीट करना चाह रही थी बट दिक्कत ये हुई थी कि कल थोड़ा मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अगर अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? मैडम, हेलो। सोडियम एनालाइजर में जो डीपा, उसमें एक्चुअली उसके बाद आपका ऑडियो फाइल था, तो इसलिए वो चीज थोड़ा समझ नहीं पाया था। सोडियम प्रिंसिपल ऑफ एनालाइजर का फिर से बोलिए। उसका जो प्रिंसिपल है मेजरमेंट का, सोडियम एनालाइजर में। अच्छा, सोडियम का एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है आपका, कि प्रिंसिपल आपका वही पोटेंशियोमेट्रिक प्रिंसिपल पे ही काम करता है सोडियम एनालाइजर। इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपका डिपर डोज इसीलिए करते हैं कि पीएच लेवल इंक्रीज करने के लिए। पीएच लेवल इंक्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये मेजरिंग इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन आयन्स जब ज्यादा रहेंगे तो ये वर्क नहीं करता है, ठीक है, और सेचुरेशन मोड में चला जाता है हाइड्रोजन आयन्स के कारण। इसलिए हम इसका पीएच इंक्रीज करके इसके हाइड्रोजन आयन्स को रिमूव करते हैं, पीएच लेवल अप टू 10 ये इंक्रीज कर देता है डिपा, ठीक है।
तो ये वेपराइज्ड फॉर्म में इसमें इंसर्ट होता है, वेपराइज्ड फॉर्म में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप की रहती है इसमें, तो ये वेपराइज्ड फॉर्म में इसके अंदर सैंपल इंसर्ट हो जाता है डिपा वाला, और सैंपल के अंदर वेपराइज्ड फॉर्म में डिपा इंसर्ट होता है आपका, इसके इनलेट में अगर 4 pH रहेगा तो आपके आउटलेट में ये दिखाने लगेगा आपका 10 pH, ठीक है। वैसे तो pH मीटर इसमें लगा नहीं रहता है, बट अगर आप कोई भी ऑफलाइन पीएच मीटर इसके फ्लो सेल में लगा के देखेंगे तो 10 pH दिखाएगा, ठीक है। फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है ये मेजरिंग इलेक्ट्रोड है, ये आपका सैंपल के कांटेक्ट में नहीं रहता है, क्योंकि देखिए इसका जो अरेंजमेंट है ये यू टाइप अरेंजमेंट है, ये पूरा आपका प्लास्टिक है पूरा बाहर, तो ये सैंपल इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आता, मेजरिंग इलेक्ट्रोड ही सैंपल के कॉन्टेक्ट में आता है। तो इसका एक फिक्स्ड जो है मिलीवोल्ट ये जनरेट करता है, ठीक है। और ये क्योंकि आपका सोडियम आता है, सोडियम सेंसिटिव इलेक्ट्रोड है, सोडियम सेंसिटिव ग्लास इलेक्ट्रोड हम बोल सकते हैं इसको, तो सोडियम के कांटेक्ट में जैसे ही ये आपका इलेक्ट्रोड आएगा ये पोटेंशियल एक डेवलप करेगा, बट अगर हाइड्रोजन आयन आएगा तो ये पोटेंशियल डेवलप नहीं करेगा, वो सोडियम को भी नहीं ट्रैक करता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसमें आके चिपक जाते हैं, सोडियम को देख ही नहीं पाता है वो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रहता है आपका, ये मिलीवोल्ट के फॉर्म में इसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल इसका फिक्स्ड वोल्टेज अगर आ रहा है -50 माइक्रोवोल्ट, ठीक है, तो इसका जितना भी होगा अगर, सॉरी 50 माइक्रोवोल्ट आ रहा है और इसका 100 आ रहा है, तो 50 -100 -50 आपका मिलीवोल्ट वो मेजर करेगा यहाँ पर। पर मिलीवोल्ट के फॉर्म में हम डिस्प्ले नहीं करते, पीपीबी के फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं, तो इसके अंदर का जो सर्किटरी है ट्रांसमीटर के अंदर का, वो आपका पीपीबी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका बेसिक पोटेंशियल मैट्रिक, पोटेंशियो मैट्रिक प्रिंसिपल ही है बेसिकली बोलना चाहिए। थैंक यू। और अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर सेशन क्लोज करते हैं, बहुत छोटा ही सा पॉइंट था जो डिस्कस करना था। बाकी जो एनालाइजर है, आप अगर प्लांट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एनालाइजर्स देखने के लिए मिलेंगे, डीएम प्लांट में भी और स्वास में भी। मेजॉरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके एनालाइजर जो है वो स्वास में। हेलो मैडम, सीपीयू के बारे में थोड़ा बता देंगे? कंडेंसर पॉलिशिंग इसके बारे में, सीपीयू मैडम कंडेंसर पॉलिशिंग यूनिट। कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट में एनालाइजर बताऊं कि उसका प्रोसेस बताऊं? क्योंकि प्रोसेस मैं भी क्लियर नहीं बता पाऊंगी, आप किसी ऑपरेशन बंदे से पूछेंगे तो वो क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे सीपीयू के बारे में। मैडम वो बता रहे हैं कि वाटर केमिस्ट्री वाले। हाँ, तो वो वाटर ऑपरेशन मींस जो WTP प्लांट के ऑपरेशन वाले हैं वो, क्योंकि वही उसकी फ्लशिंग करते हैं। जैसे कि आपके वेसल जो डीएम प्लांट में लगे हुए हैं ना, वैसे ही क्या होता है, मैं एक बेसिक आइडिया आपको बता रही हूँ। आपका सीपीयू का जो जो है आपका सैंपल जो है वो जाता है, एक सैंपल जाता है और पूरा सीपीयू का केमिकल से फ्लशिंग होती है, ठीक है। केमिकल उसमें मिक्स करते हैं, वो क्या एसिड मिक्स करते हैं, क्या मिक्स करते हैं आई डोंट नो क्लियरली, बट उसकी ट्यूब से एक सैंपल जाता है, फोर्सफुली जाता है, पूरा सीपीयू की यूनिट है। अगर आप जाएंगे 600 तो आपका जैसे ही आपका पार्किंग है तो वहाँ मील साइड से जस्ट पहले एक जो आपका बिल्डिंग बना हुआ है उसमें नीचे जो है वो पूरा सीपीयू यूनिट है। तो वो एक आपका वाटर में कुछ कुछ सैंपल एसिड और कुछ कुछ चीजें मिक्स करके उसको सीपीयू में पास करवाते हैं, एक पास लाइन में रहता है, दूसरे पास में उसको ट्रांसफर करवाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो इन उसके अंदर जो ट्यूब्स के अंदर का स्लज और ये सब चीजें हैं वो रिमूव होता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया है। बाकी अगर आप WTP वालों से अगर पूछेंगे तो वो बता पाएंगे। मैडम जो पीएच उसका लेवल कितना कितना रहना चाहिए बता देंगे मैडम? सिलिका बीओ लेवल मतलब रेंज लिमिट बोल रहे हैं आप? हाँ, सिलिका का जो लिमिट है वो 600 का तो मैं इतना क्लियर नहीं बता पाऊंगी, पर सिलिका का लिमिट 250 का आपका 250 मेगावाट पे 60-70 आता है। मेगावाट कम होता है तो थोड़ा सिलिका ज्यादा हो सकता है, तो 110-90 ppb में रहता है वो, ठीक है। आप बोल सकते हैं 70-110 तक की लिमिट में आ सकता है। दूसरा आपका पीएच जो रहता है
वो DMCW का ज्यादा रहता है, 9.5 pH रहता है, बाकी जो है वो आपका 8.8 to 9.2 रहता है, 8.8 9.2 जो रहता है ड्रम वाटर, फिर आपका मेन स्टीम, CP फीड वाटर, ठीक है, ये चार हो गया, और DMCW का थोड़ा ज्यादा लेवल पे रहता है, ये हो गया आपका पीएच का लिमिट। फिर कंडक्टिविटी जो है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वो 5 to 7 की रेंज पे रहता है जनरली, ठीक है, ज्यादा कंडक्टिविटी भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द इम्प्योरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कैटायन कंडक्टिविटी है, वो कहीं भी लगा हुआ है, वो हमेशा 0.3 μS/cm से कम ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। फिर आपका आया सोडियम, जो कि मेन स्टीम और सीपी का, मेन स्टीम का आपका 1 ppb से नीचे रहता है, और सीपी का भी ऑलमोस्ट 1 ppb से नीचे ही रहता है। फॉस्फेट जो रहता है वो ppm में रहता है, वो जनरली 0.8 ppm to 1 तक वेरी होता है, ठीक है। और आपका क्या बचा, डीओ, ठीक है, तो डीओ जो है आपका, वो आपका फीड वाटर का जो है वो less than 10 ppb रहता है, और जो आपका सीपी है वो स्लाइटली थोड़ा हायर साइड में रहता है, तो less than 20 या less than 15 कंसिडर कर सकते हैं। बाकी 600 का पैरामीटर्स मैं मतलब इतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने ज्यादा वहां देखा नहीं है स्वास्थ्य मैडम सिस्टम। टर्बिडिटी टर्बिडिटी आपका डिपेंड करता है, अगर रॉ वाटर का अगर आप ले रहे हैं तो आपका जाएगा 50 के ऊपर, ठीक है, 50 to 100 तक जा सकता है। फिर आप सी क्लेरीफॉक्युलेटर का अगर लेते हैं तो आपका 30 to 50 के रेंज में रहता है, ठीक है। फिर अगर आप DMF के आउटलेट में लेते हैं, ड्वेल मीडिया फिल्टर के आउटलेट में लेते हैं, तो वो less than 1 ppb रहता है। वन और कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो सेशन क्लोज करते हैं अनुपम जी। है डाउट है हाँ कुछ? डाउट है कुछ तो पूछ लीजिए ना मैडम को, नहीं तो सेशन कंप्लीट हो कर देंगे। पूछना है तो पूछ लीजिए मैडम। 10 मिनट्स होल्ड कीजिए, देख ठीक लेता है, हूँ कोई कुछ ओके बोल। ओके। मैम जो सिल्का एनालिसिस कर रहे हैं हाँ वो ड्रम वाटर, फीड वाटर और मेन स्टीम के लिए करते हैं, और जो फास्फेट एनालिसिस कर रहे हैं वो केवल ड्रम वाटर के लिए करेंगे। हाँ फॉस्फेट डोजिंग खाली आपका ड्रम वाटर में होता है, तो आपका ड्रम वाटर में ही फॉस्फेट एनालिसिस होती है, और सिलिका आपका 3 पॉइंट में मेजर होता है, फीड वाटर, मेन स्टीम और ड्रम वाटर, 3 जगह ये क्रिटिकल पॉइंट्स है आपके, और ड्रम वाटर का ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्योंकि उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिलिका जो है वो हायर साइड में जाके फिर दिक्कत करता है, इसलिए ड्रम वाटर का मेन क्रिटिकल रहता है और मेन स्टीम का मेन क्रिटिकल रहता है। और सिलिका हम मेजर करते हैं DM प्लांट में, जो SBA आउटलेट में मेजर करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन में, उसके आउटलेट में करते हैं, और MB मिक्स्ड बेड में करते हैं, मिक्स बेड के आउटलेट में करते हैं। जनरली प्रोविजन ये रहता है कि मिक्स बेड के आउटलेट का हमारा मेन रहता है सिलिका मेजरमेंट, क्योंकि वो जो मेजरमेंट है उसके आगे, क्योंकि वो ही एक वेसल है, उसके आगे सिलिका, उस पे पूरा सिलिका रिमूव होता है पूरा आपका, वो आपका पॉलिशिंग यूनिट भी बोलते हैं उसको, MB को, मिक्स बेड को, तो उसमें सिलिका जनरली ज़्यादा रिमूव होता है, तो इसलिए मिक्स बेड के आउटलेट का क्रूशियल रहता है, इसलिए हम लोग ने उसमें लिमिट भी डाल के रखी है कि 20 पे अलार्म, 50 पे ट्रिपिंग, 50 ppb के ऊपर जाएगा तो ट्रिपिंग आएगी, ठीक है, पूरा प्लांट उसको, ये प्लांट, मेन प्लांट नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रिप हो जाएगा, तो इसीलिए ये 2 जगह पे चेक करते हैं, SBA फॉर द बेसिस ऑफ रिडंडेंसी, और एंड यू कैन से फॉर द बेसिस कि आपको मतलब एक एनालाइजर जो है, एक आपको देखने के पर्पस से भी लगा रहना चाहिए कि हाँ MB का सही है कि नहीं है, तो SBA आउटलेट एंड MB आउटलेट, SBA आउटलेट की जो रेंज रहती है वो अराउंड 30, आप यू कैन से 15 to 20 या कभी 70 तक भी चले जाती है, अगर रेजिन एग्जॉस्ट हो जाता है तो,
आपकी 100 भी जाती है अगर रेजिन एग्जॉस्ट हो गया है. एमबी की जो रीडिंग रहती है वो जनरली लेस देन 10 ही रहती है आपकी, लेस देन 10 ppb. मैम ये जो कैटायनिक कंडक्टिविटी है वो केवल ड्रम के लिए करेंगे ना मैम? नहीं, कैटायन कंडक्टिविटी आपका जहां भी आपका अलग से पानी ऐड हो रहा है. अब आपका अलग से पानी कहाँ ऐड हो रहा है? कंडेंसर में. कंडेंसर कंडेंसर में में आपका CW अलग से ऐड हो रहा है, तो आपकी जो लीकेजेस हैं, चांसेस हैं कि वहां से वाटर इंग्रेस हो सकता है डीएम वाटर में, तो एक वहां करते हैं. फिर आपका एक कैटायन कंडक्टिविटी करते हैं फीड वाटर में, वहां भी आपका अलग से पानी इंग्रेस कर रहा है. ठीक है, तो एक हम फीड वाटर में करते हैं, एक हम जो करते हैं सीपी में. ये दो जगह का मेन है. फिर आपका एक मेन स्ट्रीम में करते हैं, तीन जगह पे आप मेजर करते हैं कैटायन कंडक्टिविटी. ओके मैम, और जो मैम डिजोल्व O2 है वो केवल फीड वाटर के लिए होगा? डिजोल्व ऑक्सीजन फीड वाटर एंड सीपी, उसका भी कॉन्सेप्ट वही है. अदर से जहाँ अलग से पानी जो इंग्रेस हो रहा है वहां पर मेजर करते हैं. पहले डिजोल्व ऑक्सीजन डिरेटर में भी करते थे, डिरेटर आउटलेट में, क्योंकि पहले जो डोजिंग होती थी वो हाइड्रोजन डोजिंग होती थी. पहले देखे होंगे या सुने होंगे, हाइड्रोजन डोजिंग क्या है? ऑक्सीजन को रिमूव करता है. ठीक है, तो पहले प्लांट में ये प्रोसेस था, हम ऑक्सीजन को रिमूव करते थे. तो जहाँ ऑक्सीजन डोजिंग के लिए हाइड्रोजन डोज होता है, ऑक्सीजन रिमूवल के लिए हाइड्रोजन डोज होता है, वहाँ हम मेजर करते थे. बट अब डिरेटर आउटलेट में मेजर नहीं करते, क्योंकि अब ऑक्सीजनेटेड हम कर दिए हैं इसको, मतलब प्लांट को. ऑक्सीजनेटेड ट्रीटमेंट क्या है कि जनरली एक एक शॉर्ट ऑफ फॉर्म कर देता है, जिसके कारण हमारा जो भी है करोजन इरोजन नहीं होती. ऑक्सीजनेटेड ट्रीटमेंट अब वो कैसे करते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डीएम प्लांट वाले, ऑपरेशन वाले, वो बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे कि ऑक्सीजनेटेड ट्रीटमेंट क्या होता है. ओके मैम, मैम कोलाइडल सिलिका जो वो अल्ट्रा फिल्टर के अलावा और कहीं रिमूव कर सकते हैं? कोलाइडल सिलिका वहीं रिमूव होता है, उसके आगे कहीं रिमूव नहीं होता. और सोडियम आपका एलबीसी के बाद, एलबीसी में ही रिमूव होता है आपका. अनुपम जी क्लोज करें क्या सेशन? डाउट्स शायद मेरे को लगता है क्लियर हो गए इनके. ठीक है मैडम, तो फिर ठीक है ना? ओके.